फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और इसका एब्रीविएशन है PMI। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है, इसका उपयोग किस तरह से होता है, लाइफ में आपने कई जगह इसका यूज़ किया है लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए कि क्या है। तो आए आज इसे समझते हैं कि मैथमेटिक्स में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसको किस तरह से लाइफ में अप्लाई किया जाता है और जो चीज़ हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ लगा हुआ है। तो देखिए, आप एक जिस तरह से सबसे पहले मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इसमें 7 to the power n - 3 to the power n इज डिविजिबल बाय 4। ये एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि ये एक स्टेटमेंट है और एक इस स्टेटमेंट की हमें जांच करनी है, इस स्टेटमेंट की टेस्टिंग करनी है कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये सिंबल कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ और दिस सिंबल इंडिकेट्स बिलोंग्स। मतलब इनके कहने का है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है, ये देखना है। तो आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि सबसे पहले हम n की जगह क्या रख दें, n की जगह हम 1 ले लेते हैं। तो 7 to the power 1 - 3 to the power 1 इज डिविजिबल बाय, तो 7 to the power 1 - 3 to the power 1 क्या हो गया, इसका वैल्यू आया 4, विच इज डिविजिबल बाय वॉट, डिविजिबल बाय 4। तो आपने कहा कि भई ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, इसी तरीके से आपने n इज इक्वल टू 2 डाल दिया, 7 to the power 2 - 3 to the power 2, 7 to the power 2 is 49 - 9 विच इज 40। तो आपको ये पता चला कि ये इज डिविजिबल बाय वॉट 4, इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। फिर आप n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, पर कब तक? क्योंकि n क्या चीज है, n इस केस में n इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स मालूम होगा आपको कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू व्हाट, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इनफाइनाइट। तो ये नेचुरल नंबर्स दे आर नॉट फाइनाइट, दे आर इनफाइनाइट। और हमें टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, कि ये एक्सप्रेशन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा कि इसकी टेस्टिंग हो जाए? तो इसके लिए इंडक्शन का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। आइए हम उस इंडक्शन के तरीके को समझते हैं। तो समझते हैं उसके लिए इसका एक प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर को रियल लाइफ में भी हम उसको समझें कि वो रियल लाइफ में किस तरीके से वो प्रोसीजर काम करता है, ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। तो आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि कई बार आप साइकिलिंग करते हो और गार्डन का एक चक्कर लगाते हो। आपने मान लीजिए कि इस गार्डन का एक चक्कर लगाया, एक साइकिल कंप्लीट की, ये आपका गार्डन है, गार्डन का एक चक्कर लगाया, तो इसका मतलब कि आपको साइकिल चलाना आ रही है। पर इससे ये तो मतलब नहीं निकलता है कि इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू हैव कंप्लीटेड वन साइकिल, एक चक्र आपने पूरा कर लिया, तो यू कैन गो एनीवेयर बाय द साइकिल, आप साइकिल से कहीं भी जा सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको कुछ मिनिमम चक्कर और लगाने पड़ेंगे, और जब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ चक्कर लगाते हो जिससे इसकी आपकी परफेक्शन साबित हो जाए, तो जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो आप जानते हो कि तब आपको कहा जाता है कि नाउ यू हैव बिकम अ साइक्लिस्ट एंड यू कैन गो एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल।
तो आप साइकिल लेकर के कहीं पे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने साइकिलिंग का जो तरीका है वो सीख लिया है। नाउ यू हैव बिकम अ परफेक्ट साइकिलिस्ट। और परफेक्ट साइकिलिस्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? तो परफेक्ट साइकिलिस्ट बनने के लिए आपको जरूरी है कि कुछ चक्कर आप पूरे कर लो, कुछ चक्कर आप लगा लो तो बन जाएंगे। मात्र एक चक्कर लगाने से ये हो जाएगा कि आप साइकिल चला सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन जब आपको परफेक्शनिस्ट बनना है तो बार बार आपको कुछ चक्कर इसके लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरे उदाहरण को आप समझिए कि आप मान लीजिए कि कहीं दूर रहते हैं जहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, पर आपके पास किताबें हैं। आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया है, मान लीजिए आपने लेवल 1 का एजुकेशन कंप्लीट किया है, और आप इतनी दूर रहते हैं कि जहाँ स्कूल नहीं है, लेकिन आपके पास बुक्स हैं, और बुक्स की हेल्प से आपने 1 से लेके 1 के बाद की क्लासेस 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक कर दिया? 10th तक का आपने कोर्स कर लिया। अब 10th तक करके कोर्स करने के बाद अब आप नेक्स्ट कौन सा कोर्स करेंगे? तो आप समझते हैं नेक्स्ट कोर्स होगा 11th का। अब आप 10th का कोर्स करते करते आपकी उम्र लगभग लगभग 15 साल की हो जाएगी। यू हैव बिकम 15 ईयर्स ओल्ड। तो जब आप 15 साल के हो जाओगे तब तो आप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में तो नहीं जाओगे। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि एजुकेशनल बोर्ड को कि आप मेरा क्लास 11th का टेस्ट लो, एंड इन केस इफ आई क्वालिफाई दिस क्लास 11, देन इट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड एजुकेशन अप टू 10th। इनफॉर्मली मैंने 10th तक का एजुकेशन ले लिया है, मुझे 10th तक का आता है। तो अगर आपने 11th पास कर लिया, तो ये माना जाएगा कि आपने 10th तक का एजुकेशन आपको आता है, 10th तक का नॉलेज आपके पास है। तो आपको 11th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इन सारे चीज़ों के भी आपको सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। और इसी को हम इंडक्शन में कैसे समझेंगे? तो इंडक्शन में समझने के लिए देखिए कि ये एक स्टेटमेंट है। सपोज दिस इज अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मान लें कि ये स्टेटमेंट किसके बराबर है? पी ऑफ एन के बराबर है। अब हमने इसमें सबसे पहले एन की जगह 1 रखना है, एन की जगह 1। देखते हैं 1 के लिए इज इट ट्रू और नॉट। तो देखिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 to the power 1 minus 3 to the power 1 is equal to 4। क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाय वॉट? तो इज डिविजिबल बाय 4। अब हम n की जगह 2, 3 नहीं रखते। अब हम जो मैंने आपको बोला था कि नाउ वी अज्यूम दैट, P2 मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2। P3 अप टू जो मैंने कहा था 10th क्लास, तो 10th को यहाँ पे मान लेते हैं हम पी के, कि नाउ वी अज्यूम दैट P2, P3 अप टू 10th क्लास मीन्स अप टू पी के आर ट्रू। मतलब ये स्टेटमेंट कब तक के लिए ट्रू है? जब तक n की जगह k नहीं आता। अब k क्या है? इट इज नॉट टोल्ड, ये आपको कहा नहीं है कि k क्या है, बट इट इज नोन दैट के इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। पर के भी एक नेचुरल नंबर है। अब हमें अगर मान लीजिए कि ये ट्रू है, कहाँ तक के लिए ट्रू है? पी के तक के लिए ट्रू है। तो व्हाट इज पी के? तो पी के क्या होगा? 7 to the power k minus 3 to the power k इज डिविजिबल बाय 4। ये मतलब हुआ इसका पी के का। जैसे पी एन का मतलब क्या लिखा है? 7 to the power n minus 3 to the power n इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब हुआ 7 to the power k minus 3 to the power k इज डिविजिबल बाय 4। अब अगर 7 to the power k minus 3 to the power k इज डिविजिबल बाय 4 है, तो देयर फोर
7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा. अगर 4 से डिविजिबल है, सपोज आपका नंबर है 24 विच इज डिविजिबल बाय 4, देन यू राइट इट 4 इंटू 6. अगर 16 है तो इसको आप लिखते हो 4 इंटू 4. 7 इज नॉट डिविजिबल. आप इसको ऐसा नहीं लिखें, जबरदस्ती ना लिखें कि आपने इसको 4 इंटू 7 बाय 4 लिख दिया. तो 4 इंटू 7 बाय 4 अगर आपने लिखा तो 7 बाय 4 क्या नहीं है, तो 7 बाय 4 इज नॉट एन इंटीजर. तो लैम्डा शुड बी व्हाट, तो यहां पे हम लिखेंगे लैम्डा शुड बी एन इंटीजर. लैम्डा इज एन इंटीजर. लैम्डा कैन नॉट बी एनी नंबर, इट शुड बी एन इंटीजर. ये एक इंटीजर ही होगा. इंटीजर मीन्स प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. तो 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के इज इक्वल टू 4 लैम्डा. और आइए हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को नाम दे दें 1, इसे दे देते हैं नाम हम 2. और अब चेक करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. जैसे मैंने कहा था आपको कि आपने पहली का एजुकेशन लिया था, क्लास 1 लिया था, क्लास 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, 10th तक आपने बोला कि मैंने इनफॉर्मली पढ़ा है. तो हमने अगली क्लास का टेस्ट लिया, तो पी के प्लस 1 क्या होगा, पी के प्लस 1 होगा 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4. पर हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस लगाएंगे पी के प्लस 1 प्रूफ करने के लिए कि पी के प्लस 1 क्या चीज़ है. पी के प्लस 1 इज 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट, इज डिविजिबल बाय 4. इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम मानेंगे नहीं कि ये डिविजिबल है 4 से. मानेंगे कहाँ तक, मानेंगे हम यहाँ तक, कहाँ तक, 10th तक, मतलब k तक. 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 4 लैम्डा. अब इसे मान लीजिए कि दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला सवाल है. अब हम आगे बढ़ते हैं. 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4 भी हमें प्रूव करना है. तो लेट्स सी हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, देखते हैं इसे किस तरह से करते हैं. तो 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 को आप कैसा लिख सकते हो, यू कैन राइट 7 टू द पावर के इंटू 7 माइनस 3 टू द पावर के इंटू 3. दिस डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन. हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाया है जिसमें ए टू द पावर एम प्लस एन को ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन लिखते हैं, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 7 टू द पावर के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के. अब 7 टू द पावर के का वैल्यू कहाँ से रखना है अपने को, तो 7 टू द पावर के का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 से रखना है. तो आइए इक्वेशन नंबर 2 से इसका वैल्यू रखते हैं. 7 इंटू 7 टू द पावर के का वैल्यू होगा 4 लैम्डा प्लस 3 टू द पावर के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के. ये वैल्यू हमने कहां से लिखी है, तो ये वैल्यू हमने यूज की है 2 से. तो आप लिख सकते हैं यूजिंग 2, 2 का यूज करके हमने इसे लिखा है. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 7 इंटू 4 लैम्डा 7 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के. एंड वन थिंग शुड बी नोटिस्ड, ध्यान देने लायक है कि 7 इंटू 3 टू द पावर के इज नॉट 21 टू द पावर के. देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 3 स्क्वायर इज 7 इंटू 49. और आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल विद स्मॉलर नंबर्स, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 4 जा 12. अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे 3 इंटू 2 को 6 स्क्वायर, तो ये 36 हो जाएगा. तो दीज टू आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू, कीप दिस थिंग इन माइंड. अब आप देखिए, ये होगा आपके पास 7 इंटू 4 लैम्डा प्लस 7 इंटू 3 के में से 3 इंटू 3 के मैंने माइनस कर दिया. तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, इधर यू राइट डायरेक्टली 7 इंटू 3 के माइनस 3 इंटू 3 के को 4 इंटू 3 के लिख दीजिए, या फिर आप इसमें से 3 टू द पावर के कॉमन ले लीजिए. तो ये क्या बना आपके पास, 7 इंटू 4 लैम्डा
प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर के। अब ध्यान से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन 7 लैम्डा प्लस 3 टू द पावर के, विच इंप्लाइज दिस इज 4 इंटू 7 लैम्डा। क्या है लैम्डा, इज व्हाट लैम्डा, इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 7 इंटू लैम्डा इंटीजर है, 3 टू द पावर के इंटीजर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीजर। मतलब व्हाट डज इट इम्प्लाय, इट इम्प्लाइज ये किसके बराबर था, देखिए दिस वॉज इक्वल टू 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1, देयरफॉर इट इम्प्लाइज 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। दैट इज इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू, पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। देयरफॉर अगर पी के प्लस 1 ट्रू है तो कौन ट्रू होगा, इसका मतलब है कि पी के भी ट्रू होगा, जिसको मैंने कहा था कि टेंथ तक का आपका एजुकेशन सही है, टेंथ तक का नॉलेज आपको सही है। देयरफॉर व्हाट इज ट्रू, पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, पी के अगर ट्रू है तो पी के क्या चीज है, व्हाट इज के, के इज अ नेचुरल नंबर, के इज अ नेचुरल नंबर, और एन भी क्या चीज है, इवन एन इज अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर आई कैन से द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। एंड फाइनली दिस वॉज द सोल्यूशन, और दीज टू स्टेप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दीज टू लास्ट स्टेप्स। ये दोनों जो आखिरी की स्टेप्स हैं ये आपको लिखना ही होंगी, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपको पछतावा होगा। आइए इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बोलता हूँ जो आप इसी बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं। सेकंड है 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 27 फॉर ऑल n belongs to capital N। यह आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, x to the power n minus y to the power n is divisible by 2x - y for all n belongs to capital N। ये भी आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और शेयर करता हूं दोस्तों, x टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस y टू द पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। इसे अगर हमें प्रूव करना है तो इसे देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। x टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस y टू द पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y। तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करें, इसकी बिगिनिंग के लिए आप यहां पे लिखिए कि लेट p ऑफ n बी, मान लीजिए कि p ऑफ n क्या है, x टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस y टू द पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस y, और इसे दे दे नंबर 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इसे दे दे नंबर 1। अब आप सबसे पहले n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें, तो p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 होगा x टू द पावर, आप यहां 1 रखेंगे तो इट बिकम्स क्यूब x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3,
ये होगा x प्लस वाई, फॉर्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, इज डिविजिबल बाय देखिए एक्स प्लस वाई, क्यों, बिकॉज एक्स प्लस वाई इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, एक्स प्लस वाई एक इसका फैक्टर है, देयरफॉर पी वन इज ट्रू। सेम प्रोसीजर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही, पी वन इज ट्रू, लेट पी टू पी थ्री अप टू पी के बी ट्रू, मान लिया कि ये लोग कहाँ तक, पी के तक हमारी बात ट्रू है, अगर पी के ट्रू है तो इसका ये मतलब हुआ देफोर पी के इज वॉट, पी के है एक्स टू द पावर टू के प्लस वन प्लस वाई टू द पावर टू के प्लस वन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, ये हमने मान लिया कि दिस इज ट्रू, तो ये अगर ट्रू है तो देफोर एक्स टू द पावर टू के प्लस वन प्लस वाई टू द पावर टू के प्लस वन को आप लिख सकेंगे एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा, एंड अगेन यू विल हैव टू मेंशन व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा इज एन इंटीजर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप लैम्डा बिलोंग्स टू जेड बिकॉज जेड स्टैंड्स फॉर व्हाट, जेड इज इंडिकेटिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब हमें किसके लिए चेक करना है अपनी इस स्टेटमेंट को, इसको नंबर टू दे दें आप, इस इक्वेशन को नंबर टू पी के प्लस वन, नाउ पी के प्लस वन, पी के प्लस वन क्या होगा, तो इनकी जगह के प्लस वन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर टू इंटू के प्लस वन प्लस वन प्लस वाई टू द पावर टू इंटू के प्लस वन प्लस वन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है, दिस इज टू बी प्रूव्ड नाउ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम वापस से यहां से स्टार्ट करेंगे, आइए देखते हैं, एक्स टू द पावर 2k प्लस वन प्लस, तो 2k प्लस टू प्लस वन प्लस y टू द पावर 2k प्लस टू प्लस वन, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर 2k प्लस 2k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, आप इसी तरीके से लिखें जिस तरह से ये ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो हमने इसको लिखा x टू द पावर 2k प्लस 1 और उसको अलग कर दिया प्लस y टू द पावर 2k प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर, दोनों को लिखना है आपको। अब आपको इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू x टू द पावर 2k प्लस 1 का वैल्यू यहाँ से लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू उठाइए लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई टू द पावर टू के प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर टू के प्लस वन, ये देखिए आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, वी कैन कोट हियर यूजिंग टू, यूजिंग टू। अब इसे देखिए ये क्या होगा, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू के प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई टू के प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई बिल्कुल आसान है, बड़ा आसान तरीका है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, माइनस इसमें कॉमन आ रहा है वाई टू के प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया,
अब देखिए लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 1, इसको लिखा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस वाई, तो ये लिख देंगे अंदर लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू इंटीजर, x प्लस वाई इंटू इंटीजर। अगर x प्लस वाई इंटू इंटीजर है तो इसका मतलब है कि देयर फोर पी के प्लस वन एक्स टू द पावर 2k प्लस 1 वाई टू पावर 2k प्लस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो हेंस देयरफॉर दिस पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू। अगर पी के प्लस 1 ट्रू है तो आखिरी में क्या लिखना है, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसको देखते हुए आप एक क्वेश्चन में आपको और सजेस्ट करूंगा विच यू शुड ट्राई, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इसका प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है विच यू शुड ट्राई। फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई लाइक 2 टू द पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इसी तरीके से हम और कई क्वेश्चंस ले सकते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर एनफ टू अंडरस्टैंड डिविजिबिलिटी, व्हाट इज डिविजिबिलिटी। फ्यू मोर क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस वी शैल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। एंड इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डू राइट मी, and if you wish to ask anything to me then you can WhatsApp me on this number 9827098056 with your query, or you can mail me at my mail ID drakeshkumar@gmail.com and I'll be happy to answer your questions and wish you all the best. Good luck.